Great time, students. Happy morning to all. I guess everybody is here and you have joined the class. If everything is okay from my side, video is clear, okay? And you're able to listen to me properly, okay? Board dikh raha hai. If everything is okay, then send me thumbs up with present, ma'am. Okay. Right. मैं भी आपकी साथ साथ मैं भी अपनी वीडियो ऑन करके बैठी हूँ ऑन द मोबाइल. आई एम ऑल्सो वॉचिंग आउट कि कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस होगी तो पता चल जाएगा. ठीक है जी, चलो. सो वी विल कॉन्टिन्यू विद द थिंग्स. अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है? आपके लिए रिविजन करना ईजी हो जाएगा और भी. So I will send you some of the mind maps. ठीक है, these I am having. मैं फोटोग्राफ क्लिक करके आपको भेज रही हूँ, ठीक है? तो हम लोग इसके साथ साथ रिविजन कर लेते हैं. आपके कईयों के डाउट्स भी है वो भी क्लियर हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा. ठीक है माई डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको सेंड कर रही हूँ जल्दी जल्दी. दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. डिलीट मत करना, इसके प्रिंट आउट निकलवा लेना जैसे मर्जी. दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. सबको नहीं मिलेंगे, मेरे पास भी डिलीट हो गए थे. मैंने फिर कल से ये किए हैं डाउनलोड एंड सारा दोबारा से, कि एटलीस्ट मेरे पास ये था कि इसकी कॉपी पड़ी थी, सॉफ्ट कॉपी. सो आई जस्ट डाउनलोडेड बैक. ठीक है, आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस क्विकली. एनी योर ग्रुप, कोई ऐसा बंदा जो ग्रुप का पार्ट नहीं है ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो ऐड नहीं है, तो वो मुझे जल्दी जल्दी मैसेज कर दो, उसको पहले ऐड कर दूं विद योर नेम एंड क्लास. अदरवाइज मैं पूरी क्लास को फिर ये सेंड कर रही हूँ. ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप हो ऑलरेडी एडेड बच्चे, जिनके ना नेम्स वगैरह सारे सेव्ड है ना मेरे पास, मैंने सबको किया हुआ ऐड. वैष्णवी योर्स इज ऑलरेडी एडेड विद मी. चलो मैं पहले सेंड कर रही हूँ, जिस जिसको आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया सारे ऐड है यार, तमन्ना सारे ऐड है, एवरीबॉडी इज देयर. अच्छा मेरी बात सुनो, जिसको मैसेज नहीं आता देन दैट पर्सन विल टेल मी एवरीबॉडी इज एडेड. मैं पहले सेंड कर रही हूं, अगर आपको नहीं रिसीव हो तो देन सेंड मी मैसेज. डोंट जस्ट स्पीक अननेसेसरली. बच्चे डोंट मैसेज मी नाउ, वेट. मेरे पास सबके डाउट्स एवरीथिंग इज नोटेड डाउन, मैंने सारा किया हुआ है आपका नोट डाउन. मुझे ये सेंड करने दो पहले आपको. देखो सबको आई पिक्चर, फर्स्ट आ गई है, सबको मिल गई. जिसको नहीं मिली दैट पर्सन इज गोइंग टू मैसेज मी. मैंने कहा जिसको नहीं मिली वो बंदा करेगा मैसेज, जिसको मिल गया यस यस मत भेजो. स्टिल यस मैम नहीं मिली तो नो बोलो सिंपली. सबको मिल गया, आप लोग एडेड ऑलरेडी विद मी. ठीक है, सो आई कैन अज्यूम किसी को कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसका नाम नहीं है ऐड. यार इफ यू आर ऑलरेडी रिसीविंग देन डोंट सेंड मी मैसेज. रूजल को नहीं मिली, रूजल आई एम सेंडिंग अगेन. रुक ज्यादा रिक्वायर्ड कर रही हूँ पहले मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में. खुद ही तो मम्मा वाला तुमने ऐड करवाया था.
बेटा जी नाम भी भेजो अपना। उदय आपको तो मिल गई ऑलरेडी। नाम नहीं बताना होता है ऐसे ही तुम लोग एंट्री मार रहे थे। नो मैम, कोई बात नहीं निकिता जी, मिल जाएंगे दोबारा से आपको। मैं ऐसे करूंगी आपको सॉफ्ट कॉपी वाला पूरा भेज दूंगी, बिकॉज उसमें पूरी SST के बने हुए हैं नोट्स। ठीक है, दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। पूरी SST का हो जाएगा आपका। अभी के लिए तो इसको यूज करो देवी जी। चलो मैं सेकेंड चैप्टर का सेंड कर दूं, मुझे करने दो अभी। नो मैसेजेस टिल आई एम सेंडिंग नेक्स्ट फोटोग्राफ टू यू। रूजल जो आपकी फर्स्ट मिस हो गया, आई विल सेंड यू। रूजल को हो तो गई है फॉरवर्ड। चलो मैं आपको बाद में करती हूँ फिर सेंड, अगर नहीं हुई तो। और कहीं जिसको नहीं मिली पिक्चर, तो लोग कभी कभी तो दर्शन देते हैं, फिर इनके नाम भी अपने सेव नहीं करवाने, तो आपको क्या मिलना है फिर। एनीबडी इज देयर जिसको जिसका नाम नहीं ऐड है। यू गॉट इट ऑलरेडी मुस्कान। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल। बेटा जी अभी तक हमारा यही नहीं सेंड हुआ, तो आप लोग फिर आगे रिविजन क्या करेंगे हम लोग। मैं आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे आई गेस नहीं कर सकती हूँ, देखती हूँ अगर हो जाता तो आई कैन डेफिनेटली सेंड यू द डॉक्यूमेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं करती हूँ, अगर तो हो गया तो इट इज गुड, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट कर देती हूँ, पूरी आपकी SST का ही हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, इट वुड बी बेटर, ऐसा टाइम वेस्ट मैं करती जाऊंगी तो कोई फायदा नहीं है। यस हो सकता है। नहीं होगा, चलो देयर इज अ प्रॉब्लम नाउ। पिक्चर्स ही जाएंगे ऐसे, नहीं हो रहा बेटे डॉक्यूमेंट फिर आपका। एक एक बंदे को अभी तो नहीं कर सकती मैं फॉरवर्ड, मेरे को पिक्चर्स ही करने दो अभी। ठीक है, दो ही तो चैप्टर रह गए, अभी दो की पिक्चर्स करने दो सेंड, बाकी हम लोग फिर करते हैं नेक्स्ट। आपको डॉक्यूमेंट में भेज दूंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डॉक्यूमेंट फिर पर्सनली भेज दूंगी आपको, इस ये वाले एग्जाम्स अभी निकालो, नेक्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, सो लेट मी जस्ट सेंड यू द नेक्स्ट टू चैप्टर्स। आई एम वेरी क्रिएटिव, आप लोग भी क्रिएटिव बनो और पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए पूरी पूरी तैयारी करो।
गिव यू फॉर फुल SST, ठीक है जी। स्टिल अभी यहाँ पे नहीं खत्म होगा, अभी भी बहुत सी चीजें मेरे पास करने के लिए आपके साथ। मुझे लगता है कुछ महारथी तो आज आए ही नहीं, दर्शन ही नहीं दिए जिन्होंने मुझे। वो तो वैसे टॉपर्स मान के बैठते हैं मेरे को लग रहा है सारे अपने आप को, से BSc के पेपर देने की जरूरत क्या है हमें, है ना। अरमान का तो मुझे मैसेज आया है, बट अनमोल आई डोंट थिंक सो ही इज प्रेजेंट। ओके सो आई एम हियर नाउ, ठीक है। आपको मैंने कर दिया सेंड डॉक्यूमेंट्स, फ्लो चार्ट्स आपको बाद में करूंगी, हम लोग वैसे डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजें। पहले मैं सबके डाउट्स ले लूं, जो जो आपने डाउट्स पूछे थे। सो आई रिटन ऑल द डाउट्स। पहले मेरे पास है, सबसे पहले क्रिश हैज आस्क्ड मी सम डाउट्स, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज। फर्स्ट जिनके मुझे नोटेड डाउन किए हुए हैं डाउट्स, मुझे वो डिस्कस करने दो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है माय डियर। चलो, सो फर्स्ट डाउट इज, बिसाइड्स इनकम व्हाट कैन बी अदर एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। सो जस्ट वेट, सो व्हाट इज दैट। हर्षवर्धन बेटा जी आपका नाम नहीं अब सेव्ड, मैं बाद में करती हूँ आपको फिर ऐड। ओके थैंक गॉड यू आर अटेंडिंग द क्लास। हाँ जी, सो बिसाइड्स इनकम व्हाट आर द थिंग्स वी नीड। सो ये आपका है पेज नंबर, आ जाओ दैट इज 4-5, आपके बुक का पेज नंबर 5 है। देखो इनकम के अलावा क्या चीज चाहिए आपको लगता है, बिना रिस्पेक्ट के उदय अभी के लिए टाइम चलाओ, मैंने आपको डिस्कशन करने के लिए नहीं बोला, मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दूंगी, मुझे पर्सनली करना पड़ेगा सारे बच्चों को। 273 स्टूडेंट्स है 10th में, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैंने ट्राई किया था बट वो ऐसे पॉसिबल नहीं है, कर नहीं सकते ऐसे फॉरवर्ड, नहीं तो मैं करती थी आपको। ठीक है, हाँ जी, इसका जरा देखो, कोई भी बंदा अगर आपको कोई भी बंदा अगर है, ठीक है, तो अगर उसे जॉब करनी है तो पहली चीज तो ये होगी इनकम। मैंने आपको 3 जॉब्स का एग्जांपल दिया था, वी हैव गॉट 3 ऑप्शंस, जॉब ए, जॉब बी एंड जॉब सी, ये सारी रहती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या क्या करते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है, ठीक है जी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज होती है, जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके चलो, सो यहां पे देखो इन्होंने क्या क्या लिखा है। Besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment. आपको वहां पे बिठा दिया, ठीक है, आपके आपको इनकम ज्यादा रखते जा रहे हैं। और वही चीज है मैंने आपको बताया शायद, अगर आपको बोला जाए आपको 50,000 सैलरी मिल रही है एंड इन दैट आई विल मेक, डेफिनेटली आई विल मेक। सुगंधा अभी के लिए हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे ये चीजें, प्लीज मुझे रिविजन करवाने दो देवी जी, हम लोग ये बाद में पर्सनली फेस टू फेस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, सी अगर किसी के डाउट्स रह जाएंगे तो आई विल जस्ट कंडक्ट योर जूम मीटिंग इन द इवनिंग, तो हम लोग वो उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, जिसके कोई डाउट्स होंगे फेस टू फेस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके माई डियर, मुझे आती है ऑपरेट करनी जूम, तो आई कैन डिस्कस विद यू दैट ऑल्सो, बट आप लोगों ने अपनी कंट्रोल में रहना है, ये चीज पहले बोल दूं मैं, ठीक है जी। चलो हम लोग कर रहे हैं आगे अभी।
सो क्या क्या चीजें चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट एवरीबॉडी नीड्स, ठीक है? सो एवरीबॉडी नीड्स इक्वल ट्रीटमेंट. आपको मैं कुछ भी हेल्प ना करूं, ठीक है, एक बंदे की सारी हेल्प करती जाऊं, एक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दूं, दैट इज ऑलवेज रॉन्ग. सो बिसाइड्स इनकम वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड सम ऑफ द थिंग्स. मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर मेफ जेफ वाला किया था हमने, वही चीज है यहाँ पे, मेफ जेफ, ठीक है, जो मेफ जेफ वाला किया था हमने, मोर इनकम इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है. एफ पे क्या किया था? फ्रीडम, एवरीबॉडी लव्स देयर फ्रीडम. अनदर थिंग, जे से हमने क्या किया था? दैट इज, व्हाट इज फॉर जे, बताइए जरा, आप लोगों ने किया हुआ है ये सारा कुछ? हाँ जी बताइए. मेफ जेफ, रिमेम्बर और नॉट रिमेम्बर, भूल गए आप लोग? नोटबुक्स खोलो, अपनी नोटबुक्स में लिखा हुआ है हमने, शॉर्ट फॉर्म से लिखा ही है मैंने. हाँ जी, जॉब सिक्योरिटी, तुमसे मैं ना पूछू तुम लोग तो सो ही जाओगे. जॉब सिक्योरिटी नॉट जॉब्स दिया जी. आप लोग देखो श्योर नहीं होते हो किसी चीज के लिए, दैट इज वेरी बैड ऑन योर पार्ट. वी हैव डन, ओके आई विल जस्ट राइट इट डाउन. हमने कह रहे बिसाइड्स इनकम हमें और क्या क्या चीजें चाहिए? बींग अ ह्यूमन बींग वी नीड सम अदर थिंग्स ऑल्सो इन आवर माइंड जब हम कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं, ठीक है. सो मैं सिर्फ एक मनी देख के नहीं ज्वाइन कर लूंगी. बिसाइड्स इनकम हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले चीज होती है हमें इनकम जो है जो पुरानी वाली जॉब से उससे ज्यादा मिले. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मोर इनकम, ठीक है. ये किया था, याद है कुछ? ई से था इक्वल ट्रीटमेंट. एवरीबॉडी वॉन्ट्स की इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए. अगर सेम पोजिशन पे दो बंदे हैं तो दोनों को सेम जो है पैसा दिया जाए, दोनों को सेम हमें मतलब ट्रीटमेंट जो देना, रिस्पेक्ट देनी है, दोनों को इक्वल लेवल पे रखना है. सो दैट इज द पॉइंट, इक्वल, ठीक है. इसके बाद था हमारे पास दैट इज मैफ, सॉरी हाँ मैफ पे क्या था? यहाँ पे था फ्रीडम. हर बंदे को अपना काम फ्रीडम से करना करने देना चाहिए, कोई इंटरफेरेंस ना करे, कोई पॉलिटिक्स ना खेले. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है. इसके बाद था जेफ, जे से था जॉब सिक्योरिटी. मतलब अगर आपको बताया आपको ये जो जॉब है, अगर आप सही अच्छे से काम करते हो, एवरीथिंग इज है, तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, आपको टेम्परेरी जॉब नहीं करनी पड़ेगी. तो वी कॉल दैट इज योर जॉब सिक्योरिटी की वजह से है, ठीक है. सो दैट इज जेफ, जेफ का जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास जे आया. अब इसके बाद था ई. सो ई से क्या था? चलो बताओ, व्हाट वाज विद ई? सो दैट वाज एनवायरमेंट. सो आई टोल्ड यू एनवायरमेंट. अब आप जॉब करने जाओ, मैं जॉब करने जाऊं तो वहां पे बहुत से मच्छर हो और मच्छर काट ले, आप लोग बैठे हो मेरी क्लास में और क्लास में बैठे बिठाए वहां पे क्या हो जाए? एक ठेर उठा के ले जाए. सो इन एनवायरमेंट वी नीड एट अस सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट. सो व्हाट वी नीड, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट, ठीक है. इसके बाद था अगेन एफ, एफ इज फैसिलिटीज फॉर फैमिलीज. Facilities for family, ठीक है. So these all points we are done with this. Krish, आपको क्लियर हो गया, आई गेस अब तो क्लियर हो गया होगा. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द लास्ट वन. देखो अब फैसिलिटीज फॉर फैमिली, जैसे किसी ने जॉब ज्वाइन करी, उसको रहने के लिए क्वार्टर मिल गया, स्टाफ क्वार्टर लाइक इन आर स्कूल, ठीक है. उसके बाद लाइक बच्चों की फीस, ट्यूशन फीस ही जा रही है, बाकी सारे खर्चे माफ हो जाते हैं, ठीक है. सो इन दैट केस दैट इज द फैसिलिटीज फॉर फैमिली. आपको रहने के लिए कार मिल, सॉरी रहने के लिए घर मिल गया, और ऊपर से आपको कोई खर्चा नहीं देना उसका, ठीक है. तो वो सारी चीजें क्या आपके लिए बन जाती है? दैट इज द फैसिलिटीज फॉर फैमिली, ठीक है. आपको इंश्योरेंस दे देगी, आपकी पूरी फैमिली के लिए उन्होंने इंश्योरेंस प्लान दे दिया. सो इन दैट केस दैट इज अगेन क्या है हमारे पास? दैट इज फैसिलिटीज फॉर फैमिली वाला क्या आ जाएगा हमारा? दैट इज द ओनली पॉइंट, ठीक है. ये सबको क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? इतना सबको क्लियर है? आज तो पता नहीं आप लोग सोच सोच के आ रहे हो, ऑनलाइन भी हो रहे हो तो सोच सोच के. भाई इतना एहसान मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो आप लोग? 30 स्टूडेंट्स, 31 स्टूडेंट्स, अपने जो फ्रेंड्स सोए हुए उनको जगा लो एक बार, इनको बोलो आ जाओ क्लास में. अभिनंदन स्वराज इज नॉट प्रेजेंट टूडे. मैं फिर नेम्स बोलूंगी सबके, फिर शर्म आनी आप लोगों को. कुछ लोग यहां से बस अटेंडेंस लगा के भाग रहे हैं.
हाँ जी, आई गेस दैट डाउट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज हाउ अ शिफ्ट हैज बीन टेकन बिटवीन सेक्टर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज. सो ये आपका जाओ पेज नंबर आपकी बुक का है. हाँ जी, आई नो दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन. बट जो अटेंड कर रहे हैं उनको तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए फिर है ना. ओके, अभिनंदन इज प्रेजेंट, रियली ग्रेट. और आपके कोई डाउट्स नहीं आए अभिनंदन जी आज? हाँ जी, सेक्टर्स वाला जो चैप्टर है हमारा, देखो यहाँ पे आ गया हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स. सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच क्रिश हैज आस्क्ड मी. ठीक है, 23rd पेज पे देखो. ओके फाइन, सो 23rd पेज पे आपका हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स मैंने बताया था. सो इनिशियल पीरियड में हमेशा कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, दे ऑलवेज फोकस ऑन देयर प्राइमरी सेक्टर. ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, जब सबका पेट भर जाएगा, सब लोगों का पेट भर जाएगा, ठीक है, कंट्री में जहां हम फैमिली में भी, तभी आपको वो आगे का नेक्स्ट लेवल का सोचेंगे. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे प्रिंसिपल सर कहते हैं नेक्स्ट लेवल का करना है हमने. सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल कम्स टू व्हेन फर्स्ट सेक्टर इज टोटली प्रोवाइडिंग यू फूड एंड ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. अगर आपको मिल रही है फिर हम लोग स्कूल जाने का सोचेंगे. कुछ लोग इंटेलिजेंट होंगे. इंडिया में अभी बहुत से लोग स्टिल, हमने किया था लास्ट ईयर भी, वी हैव 300 million पीपल हु आर पुअर इन आर कंट्री. ठीक है, सो स्टिल उनके होने के बावजूद भी हम लोग आज भी देखेंगे तो बहुत से लोग हैं जो पेट भर खाना ही नहीं खाते रेगुलर बेसिस पे. सो देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, नेक्स्ट देखो अब आपका क्या आता है. यहाँ पे लिखा है मेथड्स ऑफ फार्मिंग, सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी. फर्स्ट स्टेज में ये था, इनिशियल स्टेज में क्या था कि हमारा कौन सा सेक्टर ज्यादा डेवलप करेगा, प्राइमरी सेक्टर करेगा. ये चाहे डेवलप्ड कंट्री है चाहे डेवलपिंग है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहले पेट भरना जरूरी है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे. ठीक है, सो प्राइमरी सेक्टर इज द लाइक सेक्टर विच इज प्रोवाइडिंग एज द फूड एंड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. नेक्स्ट इज एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज एग्रीकल्चर सेक्टर बिगिन टू प्रॉस्पर. अब सब अगर प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट कह रही तो ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर में हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर ज्यादा परफॉर्म करना है. एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस है वो ज्यादा अच्छे से करनी है. उनके मेथड्स ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसकी वजह से इंप्रूव हुए थे, तो ये सारी चीजें चल रही थी. फिर था मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज. सो काफी लोगों ने अदर एक्टिविटीज इसके अलावा भी लेनी स्टार्ट कर दी थी. देखो जब किसी बंदे को पता है ये चीज में मैं एक्सपर्ट हो गया, अब मुझे दूसरी चीज सीखनी है, तो ये चीज होती है. सो फर्स्ट सेक्टर वॉज प्राइमरी. हमारी कंट्री का अगर फोकस था प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, सब लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, सब लोगों को प्राइमरी सेक्टर से पूरी आउटपुट मिल रही थी, एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी. सो दैट वॉज ऑल पॉसिबल. इसके बाद क्या हुआ, जब हमारी कंट्री को ये सारा कुछ पता चल गया, फिर अब वो सेकेंड सेक्टर की तरफ मूव करना स्टार्ट किए. ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए. ठीक है, तो यूएसए क्या करता है, उसके बाद लोगों को लेके जाता है नेक्स्ट एक्टिविटीज में. अब वहां पे कौन से आ जाएंगे, पर्सन आ जाएंगे, ट्रेडर्स आ जाएंगे. सो मेनी पीपल आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट. ठीक है, इसके बाद था बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग जो होगी, ये सारी चीजें आएंगी. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर्स एंड ऑल, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑल. ठीक है, एक बंदा ऑफिसर बनने का कब सोचेगा, जा तो गरीबी में से बहुत बुरा हाल हो जाएगा, उसके बाद कई चीजें आ जाएंगी. हाँ जी, क्या हुआ हिमानी, नो वाई, हाँ जी. सो एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एटसेट्रा, सारी चीजों की तरफ हम तब मूव करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स. सो सबसे ज्यादा फोकस किसमें था, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज्यादा होनी है प्राइमरी सेक्टर में, एंड उसके बाद जो है लोग जो मेनली डिपेंडेंट होंगे वो भी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही होंगे. ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जो होगा हमारा प्राइमरी सेक्टर होगा इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर दिस, हम लोग कहते हैं जब डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का. सो वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट 100 years में हमारा नेक्स्ट सेक्टर जो है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. नेक्स्ट सेक्टर कौन सा होगा, सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड आपकी जो है प्रोसेसिंग एंड ऑल द थिंग्स दैट इज मेड इन द इंडस्ट्रीज. ठीक है, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उसको कहते हैं हम लोग. सो यहाँ पे क्या होगा, नए नए मेथड्स आएंगे जिसके साथ वो नई नई चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में. ठीक है, सो
दैट इज देयर टॉकिंग, तो वो धीरे धीरे करके जो अब इंडस्ट्रीज है उसमें लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, प्राइमरी सेक्टर से जो लोग हैं वो सारे अब मूव करेंगे इंडस्ट्रीज की तरफ, ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है जी। हाँ जी क्लास लगाओ, थैंक यू तुम लोग बहुत भेज रहे हो, और टेंथ के बच्चे सारे गंदे हो गए, अब नहीं अच्छे से मेरी बात सुनते हैं, यू आर वेरी बैड, लॉकडाउन की वजह से तुम लोग ज्यादा हो गए नॉटी। चलो आगे देखो, सो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट देखो, सो देयर इज फैक्ट्रीज एंड लार्ज नंबर्स, ये सारी चीजें होनी स्टार्ट होगी। सो प्रोडक्शन के जो मेथड्स थे वो चेंज हो गए, मैनुअल से अब क्या हो गए थे, कैपिटल इंटेंसिव हो गए थे, ठीक है, ये सारी तो आपने चीजें पढ़ी है, और चीजें जो थी वो मशीन मेड जो गुड्स आ रही थी वो चीपर रेट पे आ रही थी, सो ये सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हुई थी, ठीक है। सो नेक्स्ट 100 ईयर्स में ये होता है। सेकेंडरी सेक्टर अब यहाँ पे क्या था, ज्यादा इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो गया एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर, बट स्टिल जो था आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, उसमें क्या था, स्टिल लोग अभी भी काम कर रहे थे, गरीब लोग तो वही काम करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पे ज्यादा होती हैं, तो दे वर डूइंग वर्क ओवर देयर, जो एक्स्ट्रा था, जो लोग एक्स्ट्रा चाहते थे पैसा, तो दे स्टार्टेड मूविंग एज अ लेबरर टू वर्क इन दीज इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज अभी इंपॉर्टेंट होगी। शिफ्ट क्या हुई, अब प्राइमरी सेक्टर से भी लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करने के लिए आने स्टार्ट हो गए, बट स्टिल प्राइमरी सेक्टर में लोग काफी काम कर रहे थे, ठीक है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर में काफी लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में बिल्कुल कम होंगे। इफ यू रिमेम्बर, हमने एक मैंने आपके साथ ग्लोबलाइजेशन का किया था डिस्कस, एक एग्जाम्पल उसमें लिखा था कि इंडिया में हमारे फार्मर्स के पास जमीन बहुत कम है, ठीक है, और हमारे पास फार्मर्स बहुत ज्यादा है, बट यूएसए में फार्मर्स के पास जमीन बहुत ज्यादा है बट फार्मर्स बहुत कम है, ठीक है, और गवर्नमेंट उनको बहुत सी सब्सिडीज देती है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। सो वो पॉइंट्स भी आपके आ जाते हैं। सो इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होनी स्टार्ट हो गई थी। अब लास्ट सेक्टर था 100 ईयर्स, नेक्स्ट 100 ईयर्स में क्या हुआ, कौन सा सेक्टर आया इन एग्जिस्टेंस, दैट इज द सर्विस सेक्टर। अब लोगों को देखो, अगर हम एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं, अगर हम इंडस्ट्रीज भी सेटअप करते हैं, तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, खुद से पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, बट सर्विस सेक्टर में हमें कुछ भी पैसा नहीं लगाना पड़ता, ठीक है, वी नीड टू जस्ट गेन वन स्किल, वी नीड टू जस्ट गेट वन डिग्री, ठीक है, वी नीड टू जस्ट गेट एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर सर्विस, ठीक है, उसके अंदर एक्सपीरियंस गेन करना है हमें बार बार, तो उसके साथ क्या होता है, हमें क्या मिलता है आगे फ्यूचर में, हमें उनसे सैलरीज मिलती है, हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। सो सर्विस सेक्टर नेक्स्ट 100 ईयर्स में वो इंपॉर्टेंट हो गया था। सो टर्शियरी सेक्टर नाउ केम इनटू लाइट, ठीक है, सो टर्शियरी सेक्टर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम लोग अगर आप देखोगे यूएसए कनाडा अमेरिका, तो आप लोग ये सुनोगे कि वेरी फ्यू पीपल दे आर फार्मर्स, वेरी फ्यू पीपल दे आर बिजनेसमैन, ठीक है, अगर होंगे तो दे माइट बी वर्किंग इन सम ऑफ द डिजिटल थिंग्स और समथिंग लाइक दैट इज लाइक काफी ज्यादा जो इनका काफी पुराना होगा, तो तब वो उनके अंदर वो वर्क कर रहे होंगे बिजनेस वगैरह में, अदरवाइज मैक्सिमम पीपल दे आर इन्वॉल्व इन सर्विसेज। मेरे को जितना पता है, मेरे सारे क्लासमेट्स, मेरे जो स्टूडेंट्स गए हैं सारे, दे आर नॉट बिजनेसमैन, दे आर नॉट फार्मर्स, बट दे आर ऑल डूइंग द सर्विसेज, सो मैक्सिमम फोकस उनका होता है सर्विस सेक्टर। सो जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है लास्ट में जाके सर्विस सेक्टर। सो मैक्सिमम पीपल दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन द सर्विसेज, सो दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस, ठीक है। सो क्रिश, आई होप दैट इज क्लियर टू यू, इज दैट क्लियर टू यू? सो अगर अगर हम इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में मैक्सिमम पीपल दे आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, बट अगर हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग अमेरिका यूएसए वगैरह, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम जो पीपल मिलेंगे दे आर एंगेज इन द सर्विसेज, सर्विस सेक्टर में मिलेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्रिश का डाउट ये वाला क्लियर हो गया। अब आपका लास्ट डाउट है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये था रूरल सेक्टर में आपने ये मुझे पूछा था बेटा जी, है ना। सो आपका ये क्वेश्चन था कि मैम मुझे ये बता दो कि रूरल सेक्टर्स में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करते हैं। सो दिस इज इन द चैप्टर नंबर
let me just हाँ जी दिस इज इन द सेम चैप्टर सो इट इज ऑन पेज नंबर 28 ऑफ योर बुक सो लुक एट दैट पेज नंबर 28 इज दैट क्लियर देखो पेज नंबर 28 पे देखो जाके अब हमने देखना है राइट हैंड साइड पे सेकंड पैराग्राफ राइट हैंड साइड पे सेकंड पैराग्राफ देखो another way by which we can tackle this problem is to identify promote the local industries and services in semi rural areas where large number of people may be employed theek hai ab kya kya kar sakte hain first thing is they mentioned suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea so growing of these pulses so this is the point next is setting up of dal mills सो आप मिल्स सेट कर लो जैसे टेक्सटाइल मिल्स होती है शुगर मिल्स होती है वैसे दाल मिल्स बना लो ठीक है सो दिस कैन बी डन उनको उन्होंने क्या करना है प्रॉपर मशीन्स लगा के वहां पे क्लियर करेंगे जैसे हम लोग खाते हैं ना घर पे येलो दाल छोटी वाली मूंगी जो होती है जैसे ग्रीन कलर की होती है जो साबुत वाली होती है एंड अदरवाइज येल्लो वाली जो होती है हाफ जो आपकी जिसको कहते हैं दली हुई दाल ठीक है तो दैट कैन बी ऑल्सो सेटअप रूरल एरियाज में हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयमेंट ठीक है उसके बाद कोल्ड स्टोरेजेस लोग खोलते हैं गांव में अपने जो जमीन है उसके ऊपर कोल्ड स्टोरेज बना लेंगे वो ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट आता है पोटैटोज एंड अनियंस उनको स्टोर करके रखते हैं इसमें क्या होता है कि सीजनल जो चीजें हैं उसके बिना जिन चीजों का सीजन नहीं भी है वो भी हमें अवेलेबल हो जाती है सो आई होप दिस मच इज क्लियर सबको क्लियर हुआ इतना सा आगे पॉइंट देखो इसके बाद हनी बी कलेक्शन वाला सिस्टम जो है वो भी आपने गाँव में देखा होगा So, लोग मधुमक्खी पालते हैं ठीक है वो भी किया जाता है उसके बाद आपके जैसे वे मार्कफेड आई गेस मार्कफेड का आपने सुना होगा वो क्या करते हैं अचार सब्जियां बना के सो प्रोसेस्ड फूड लाइक वी आर गेटिंग ठीक है तो वो बना के बेच दिस ऑल थिंग्स कैन बी क्रिएटेड ठीक है सो ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सब्जियां उगा के पोटैटोज एंड ऑल स्वीट राइस वगैरह ये सारा हम लोग कर सकते हैं इन द रूरल एरियाज So I guess this much is clear to you. Krish, aapka ho gaya third doubt bhi clear. Now the next one is how the opening up of foreign trade results in connecting markets in different countries. Dekho, agar main bolu Krish, bas ek hi room mein baith ke aap padhoge, theek hai? Maine kya kiya? Aapko restrict kar diya. Maine aapke upar barrier laga diya, theek hai? Agar main wahi kehti hu, Krish, tu ghoom ghoom ke kahin pe bhi padh le. You will be feeling more relaxed. देखो अपना डेवलपमेंट में ज्यादा देखेगा सेम चीज है अब अगर हमने ट्रेड बैरियर्स खत्म कर दिए तो मैं अगर सिर्फ इंडिया में बिजनेस कर रही थी अब मेरे पास जो ग्राउंड है जो मार्केट है दैट इज नाउ टू द होल वर्ल्ड मैं कहीं पे भी बिजनेस कर सकती हूँ अभी तो ऑनलाइन यही सिस्टम चल रहा है चाइना यही तो कर रहा था ठीक है तो इंटरलिंकिंग ही हो रही है हमारी कंट्रीज की इंटरलिंकिंग मीन्स वी आर कनेक्टिंग विद ईच अदर सो हमें पूरी टेक्नोलॉजी जो आपके फोन है वो लाइक आईफोन जो है दैट इज लॉन्च्ड इन अमेरिका एवरी ईयर ठीक है बट सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है कहां से पहुंचती है दिस इज ऑल इंटरलिंकिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ दैट इज पॉसिबल ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंटरलिंकिंग वाली एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये पेज नंबर आपका बता देते कौन सा है सो दिस इज नाउ इन द चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन जो था हमारा वहां पे इंटरलिंकिंग ऑफ इंडस्ट्रीज वाला हाँ कंट्रीज वाला मार्केट वाला देखो पॉइंट ठीक है क्रिश के सारे हो गए एंड आई लव अगर आप लोग डाउट्स पूछते हो बेटा मुझे ये तो पता चलता है आप लोग पढ़ते हो और अगर पढ़ोगे तो ऑब्वियसली मैं भी आपके लिए मेहनत करूंगी ठीक है माय डियर हाँ जी इट इज ऑन पेज नंबर 57 यस इट इज ऑन पेज नंबर 57 इंटरलिंकिंग अब इंटरलिंकिंग कैसे करते हम लोग मार्केट्स जो है क्लोज हो जाती है हम लोग वहां पे जाते हैं जहां पे स्किल्ड है कम कॉस्ट पे ठीक है इंटरलिंकिंग हम वहां पे करेंगे एमएनसी हमेशा ऐसे सेटअप करती है अभी तभी तो हुआ है चाइना से जो यूएसए है ठीक है उन्होंने क्या किया शिफ्ट कर दिया अपना बिजनेस किस साइड पे इंडिया में चेन्नई में अब आईफोन का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है अपकमिंग 2 ईयर्स में सो अमेरिका ने पूरी तरह से चाइना से विड्रॉ कर लिया अपना बिजनेस ठीक है सो दिस इज हाउ ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर वर्किंग अपॉन ठीक है आई गेस क्लियर हो गया सबको अगर क्लियर है तो सेंड मी थम्स अप क्विकली जो सारे सुन रहे हैं अच्छे से
अच्छा अभी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कमल जी ने पूछा था, व्हाई टैक्स ऑन इंपोर्ट इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर। देखो अगर हम किसी चीज के प्राइसेस बढ़ा देते हैं तो एक तरह से हम लोग उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, सो इट विल बी कॉल्ड एज ट्रेड बैरियर। ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट एज ट्रेड बैरियर। क्लियर है जी? कमल कमलजीत कौर जी, 10D, डाउट इज क्लियर टू यू? हाँ जी क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, शी हैज आस्क्ड मी क्वेश्चन, ये आपका कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मुझे किस सवाल ने पूछा था, दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड बाय समवन। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सेम ये क्वेश्चन काफी मतलब कॉमन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार इसे बीएससी की तरफ से पूछा भी जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर हमने किया भी था, मैंने आपको पॉइंट्स मार्क करवाए थे इसके। यस, आप लोग बाहर से मंगवाओगे तो ऑब्वियसली अगर आपको टैक्सेस ज्यादा लगाए तो आप ऑब्वियसली सोचोगे। ठीक है, सो इसलिए करते हैं ये सारा ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं। सो व्हाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ये आपका जो थर्ड चैप्टर में आपको पेज नंबर बता रही हूँ, वहां पे आप लोग देखोगे इसका आंसर। दिस इज ऑन पेज नंबर 50, 50 पे है बच्चे, दिस इज ऑन पेज नंबर 50। ठीक है, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है व्हाई वी नीड टू एक्सपैंड द क्रेडिट। ठीक है, सो क्यों करना चाहिए? फॉर्मल में देखो, एक तो आपके साथ सारे फेयर होगा जो भी होगा, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरी चीज देखो, एक्सपैंड करेंगे, देखो कोई आपकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी के साथ बायसनेस नहीं आ सकती। ठीक है, जो पुअर है उनको भी फैसिलिटीज मिलेंगी, जो नहीं पुअर है ठीक है उनको जनरली सही सारा कुछ जो है वो मिलेगा, एंड गवर्नमेंट के पास भी पूरी डिटेल दे। इन्होंने 50 के ऊपर टॉप पे देखो जहाँ पे लिखा है लेट्स वर्क दीज आउट, वहां पे इन्होंने मेंशन किया है मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स वेरी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, सो अगर उस इंटरेस्ट रेट एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को बचाना है तो हमें फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। सो दैट इज व्हाई वी नीड मोर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू बी डेवलप्ड। ठीक है, दिस इज द पॉइंट विच कमल जीता हैज आस्क्ड मी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर लोन्स होंगे हम लोग देंगे फॉर्मल सेक्टर के थ्रू तो सब बंदों को मिलेंगे, कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला, मैंने पॉइंट आपको बोल दिया कि वो नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, और आपको कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, कोई भी अननेसेसरी आपको टॉर्चर नहीं करेगा। ठीक है, हाँ जी, सो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम सुरभि, 10C सुरभि। कमल जी के दोनों डाउट्स क्लियर हो गए हैं? कमल जी जी क्लियर हो गए दोनों डाउट्स आपके? सुरभि का क्वेश्चन है, हाउ प्रोडक्शन इज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशंस गेटिंग लिंक्ड। अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट क्रिश हैज आस्क्ड मी। ठीक है, सो कैसे आप लोग इंटरलिंक्ड होते हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम एक जगह से प्रोड्यूस करके दूसरी जगह पे भेज देते हैं ट्रेड के थ्रू, फॉरेन ट्रेड वगैरह। ठीक है, सारी चीज बता रही हूँ बेटे, रूल्स बता रही हूँ, आई एम जस्ट कमिंग टू योर डाउट्स, आ रही हूँ बस, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेने दो मुझे पहले। ठीक है, सो ये सुरभि आपका ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन इज देयर, हाउ प्रोडक्शन इज वाइडली डिस्पर्स, प्रोडक्शन इन इज वाइडली डिस्पर्स लोकेशंस गेटिंग इंटरलिंक्ड। सो ये सेम ही है ऑलमोस्ट आपका, सो पेज नंबर आपका था, अगेन देख लेते हैं वहां पे, पेज नंबर था 58 आई गेस, पेज नंबर वाज 58। क्रिश का जो क्वेश्चन था वही सेम है ऑलमोस्ट आपका, डिफरेंट नहीं है कुछ भी। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि देखो क्वेश्चंस उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के करना है, लैंग्वेज विल बी लिटिल बिट डिफरेंट बट ऑलमोस्ट द थिंग्स विल बी सिमिलर। ठीक है, हाउ प्रोडक्शन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड, सो ऑलमोस्ट द सिमिलर पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है,
57 पे देख रही हूँ मैं कहाँ पे प्रॉपर हेडिंग दी है तो। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है जा तो हम लोग लोकल कंपनीज को बाय कर लें, ठीक है। मैंने बता रहा कोलेबोरेशन करते हम लोग, ठीक है। मैं मान लो अमेरिका में हूँ और मेरे साथ वर्क कौन कर रहा है, आई कैन इमेजिन, चलो रूजल इंडिया में है, तो रूजल ने क्या बोला मुझे, मैम मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, सो आई जस्ट मेड पार्टनरशिप विद हर, सो दिस इज हाउ द प्रोडक्शन नाउ गेटिंग इंटरलिंक्ड। सो पार्टनरशिप्स के थ्रू, ज्वाइंट वेंचर्स के थ्रू, एमएनसीज के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर द पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। सो ये सारी आपकी इन्होंने चीजें लिखी हुई हैं कैसे इंटरलिंक्ड होती हैं। सो विद दीज थिंग्स क्लियर हुआ सुरभि को, हुआ क्लियर नहीं हुआ? जैसे मैंने आपको अभी चाइना वाला एग्जाम्पल भी दिया था, वाइडली डिस्पर्स लोकेशन पे जाके हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें सस्ता प्राइस पड़ जाए, ठीक है, हमें स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर भी सस्ता मिल जाए, तो ये सारे पॉइंट्स वहां पे आ रहे हैं। सो इसी तरह से हमारी इंटरलिंकिंग होती है प्रॉपर, ठीक है माई डियर, आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी, इज दैट क्लियर? सुरभि जी बताइए मुझे, अगर प्रेजेंट हो क्लास में तो, एक तो क्वेश्चन पूछ के आप लोग क्लास में नहीं आते हो, फिर बाद में रिकॉर्डेड देखते हो वीडियोस। सुरभि इज प्रेजेंट और शी इज नॉट प्रेजेंट? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द रूजल, सो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ये हमने नोट्स में किया था, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। मेरा गोल डिफरेंट है, रूजल का गोल डिफरेंट है, मतलब गोल यहाँ पे हम लोग बात करें एम्बिशन की, मुझे फ्यूचर में टीचर बनना था मैं टीचर बन गई, रूजल को कुछ और बनना है तो रूजल विल बी दैट इन द फ्यूचर, सो वी कॉल दैट इज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, सो डेवलपमेंट ये चीज कहती है। नेक्स्ट चीज जो आती है अब आपका, मैंने कहा था व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, सो इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। मुझे लगता है कि मैं पढ़ा के बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई हूँ, तो मुझे अब बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो उनके थप्पड़ लगाऊं खींच खींच के, ठीक है, और सर्टनली मैंने थप्पड़ लगाया किसी के और उसके चोट लग गई, सो नाउ व्हाट इज दैट? मेरे हिसाब से मेरा डेवलपमेंट था, बच्चे के हिसाब से उसका नुकसान हो गया, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। सिमिलरली पीपल लाइक टेररिस्ट, व्हाट दे डू, दे फील फॉर देयर डेवलपमेंट, उन्हें सबको डराना धमकाना है इसलिए वो टेररिस्ट अटैक कर देते हैं, ठीक है। सो अब उसने तो अपने लिए डेवलपमेंट सोचा, बाकी कंट्रीज में जितने लोगों का नुकसान हो गया, जितने लोग मर गए, उनका उनके लिए तो डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव मीन्स जहां पे खत्म हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, तहस नहस कर देते हैं किसी चीज को, सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। सो ये था आपका व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। रूजल आई होप दैट इज क्लियर टू यू, क्लियर हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था रूजल का, व्हाट डज, हाँ जी ये सेम क्वेश्चन था, अच्छा ये क्वेश्चन है व्हाट डज फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड। यहाँ पे आते फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में हमारे पास आती है दैट इज योर बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स, और कुछ नहीं आता इसके अलावा। कॉपरेटिव्स जो आपकी मैंने बताया था फार्मर्स कॉपरेटिव्स जैसे हमने किया था, सो दीज आर द पार्ट ऑफ दिस, क्लियर है रूजल, ठीक है। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछे वो हम लोग फिर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलो आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज ऑफ हिमानी। हिमानी ने पूछा था मैम HDR एंड WDR में डिफरेंस बता देना, तो दैट इज वेरी सिंपल, मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था, मैं फिर से करवा लेती हूँ। देखो हमने किया था नेशनल डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट उसके साथ रिलेटेड था हमारा, मैंने कहा था नेशनल डेवलपमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, सॉरी हम नेशनल डेवलपमेंट की दो तरह की डेफिनेशंस करते हैं, वन इज बेस्ड ऑन दैट इज WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अनदर इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये जो रिपोर्ट है दैट इज पब्लिश्ड बाय UNDP, UNDP क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, ठीक है। सो UNO की जो एक बॉडी है वो क्या करती है, हर साल रिपोर्ट पब्लिश करती है। अब
ये जो रिपोर्ट होती है दैट इज बेस्ड ऑन थ्री पैरामीटर्स। किसी भी कंट्री को अगर हम देखें ह्यूमन डेवलपमेंट है या नेचुरल डेवलपमेंट है किसी कंट्री का, देयर आर थ्री पैरामीटर्स। यहाँ पे जो है द पैरामीटर इज बेस्ड ऑन ओनली वन थिंग, दैट इज पीसीआई। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे हमारे पास थ्री पैरामीटर्स है। जब भी हम बात करते हैं यूएनडीपी जब देखती है, तो देयर इज वन पैरामीटर दैट इज एजुकेशन लेवल, और यू कैन से योर लिटरेसी रेट। ठीक है, एंड अनदर इज हेल्थ स्टेटस, हमारी कंट्री में कितने लोग हेल्दी हैं। तो लास्ट जो हमारा आता दैट इज पीसीआई अगेन द सिमिलर वन। सो अब ये आपके पास आता था। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको करवाया था यहाँ पे अगर पीसीआई के बेसिस पे देखे तो देयर आर डिविजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज। वन इज लो इनकम कंट्रीज, अनदर इज योर विच कंट्रीज। हाँ जी, हमने दो तरह की कंट्रीज कही थी पर कैपिटा के इनकम के बेसिस पे। सो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। देर आर लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज में मैंने बोला था हमारी जस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, सो लो इनकम कंट्रीज में कौन सी आएंगी, यहाँ पे आती जिन कंट्रीज की यूएस डॉलर की टर्म्स में 1045 पर एनम इनकम है, पर कैपिटा इनकम इतनी है। ठीक है, पर एनम अगर इतनी है या इससे भी कम है तो वी कॉल दीज कंट्रीज एज योर, वी कॉल दीज कंट्रीज एज योर लो इनकम कंट्रीज। दूसरी कंट्रीज कौन सी थी हमने करी, हाँ जी बताइए जी, दूसरी कंट्रीज हमने कौन सी करी थी, जल्दी जल्दी बता दो, रिच कंट्रीज। यस, ठीक है, अब रिच कंट्रीज में हमने किसका किया था, रिच कंट्रीज और वी कैन से डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, रिच कंट्रीज में हमारे पास क्या था, यूएस डॉलर कितने आएंगे, यूएस डॉलर में 12736 ऐसा बोला था मैंने, कुछ याद है तो कितना था, इतना ही था, US डॉलर 12736। यस राइट, वेरी गुड, चलो ठीक है, दैट इज गुड, हाँ जी वेरी गुड, हाँ जी, तो ये सारी चीजें थी। आ गया हिमानी को समझ, हिमानी व्हाट योर आंसर, ये सारी चीजें आपकी बुक में दी होंगी, आपको डिटेल में बस ये पढ़ना है, आपने बेसिक समझ आ गया तो एवरीथिंग इज देयर नाउ, you can understand easily. Clear है my dear students? इतना clear है सबको? हाँ जी, rich countries जिनके पास per capita income इतनी होगी और जा इससे ज्यादा होगी, यहाँ पे less होगी इतनी जा इससे less, और less click कर लो अगर नहीं है किसी के पास ये, तो और यहाँ पे था more, अगर इससे ज्यादा होगी तो these countries we call it as rich countries. हाँ जी, clear हो गया जी, ये क्वेश्चन था हमारा हिमानी का, टेनी हिमानी। नाउ एक रीत का क्वेश्चन है जी, स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। हाँ जी, हम कहते हैं आई होप द वीडियो इज वर्किंग, ओके ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखो जरा, अगर मैं थोड़ा टाइम ज्यादा भी ले लूं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ जी हाँ जी, तब भी मैं कह रही हूँ मैंने भी बहुत ज्यादा किया इसके लिए स्ट्रगल, मुझे भी फेयर ग्लोबलाइजेशन चाहिए थी, फेयर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए था। ठीक है, चलो हम लोग इसका पढ़ते हैं अब क्या है। सो फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो ये मैंने आपके साथ पॉइंट किया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है दे आर द रिच कंट्रीज, वो ज्यादा अमीर होती जा रही है और जो पुअर कंट्रीज है डेवलपिंग कंट्रीज दे गेटिंग मोर पुअर। सो अब हम चाहते हैं ये सारी चीजें जो है इक्वली सबको मिले, ठीक है, ना पुअर वाले बहुत ज्यादा पुअर हो जाए ना जो रिच वाले हैं बहुत ज्यादा रिच हो जाए। सो देयर शुड बी फेयर ग्लोबलाइजेशन। सो इस टर्म को हम लोग कर रहे हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है ये टॉपिक, स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन इज ऑन पेज नंबर 1. द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन में देखो क्या चीज है,
हाँ जी मिल गया, 70 पेज पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें इन्होंने बोला है, देखो जब भी हम लोग बात करते हैं तो सारी कंट्रीज को बेनिफिट मिल रहा है, बट जो गरीब कंट्रीज है वहां पे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमारी अगर हम इंडिया की भी बात करें तो हर बंदा तो मॉल जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदा थिएटर जाना नहीं अफोर्ड कर सकता, हर बंदा मतलब ये सारी चीजें ऐसे एज सच नहीं चलती है हमारी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज तो है बट हर बंदा ग्रैब नहीं कर पाता। सो अब इन अपॉर्चुनिटीज को अगर हमने समझना है तो वो चीज कैसे मैनेज करेंगे हम लोग। सो द अबव एविडेंस यहाँ पे लिखा है इंडिकेट्स नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। सबको बेनिफिट तो हुआ है बट अब कई जगह कईयों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया, कईयों को बिल्कुल कम हो रहा है। देखो अगर अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम लोगों को तो बेनिफिट हुआ, वी ऑलरेडी आर एजुकेटेड। ठीक है, अब जो लोग अनपढ़ थे उनको क्या फायदा हुआ, कोई हुआ टेक्नोलॉजी का फायदा, उनके लिए तो नुकसान हो गया। ठीक है ना, तो दैट इज लाइक फेयर होना चाहिए, हर किसी के लिए उस चीज का यूज हो, सो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सबके लिए बेनिफिट्स नहीं है, और सबके लिए ये बेनिफिट्स अगर क्रिएट करेंगे देन इट इज फेयर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, रिच कंट्रीज आर लाइक अमेरिका कनाडा, दे आर ऑल रिच कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम इससे ज्यादा जाती है। ठीक है, इतनी है मिनिमम, हमने इतना सोचा इतनी है, और अगर इससे ज्यादा जाती है तो वी कॉल दैट इज। ठीक है, हाँ जी एक रीजी इतना सा क्लियर हो गया। आगे देखो, अब देखिए क्वेश्चन है हाउ टू मेक फेयर ग्लोबलाइजेशन। सो कैसे फेयर करेंगे, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, सबके लिए बेनिफिट्स मिले, सो दैट इज द पॉइंट दे आर टॉकिंग अबाउट। उसके बाद है गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, किसी का भी नुकसान ना हो। ठीक है, सबके लिए सोचे। तो अब यहाँ पे ये होता है कि जो रिच कंट्रीज है वो क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है बाकी कंट्रीज को। अब चाइना का क्या सिस्टम है, चाइना क्या करती है, यही करती है। चाइना पहले सब कंट्रीज को सपोर्ट करती है। अब नेपाल का जो केस हुआ था, नेपाल इंडिया के अगेंस्ट क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने पहले क्या करना है, उनके लिए प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। प्रोजेक्ट्स लगाने के बाद उनको बोला हम आपको बेनिफिट देंगे, फिर जब उनको बेनिफिट मिलता है उनको कहते हैं चलो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपको लोन देते हैं। लोन हो गया तो अब अगर वो लोन पे नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली चाइना इज गोइंग टू कंट्रोल देम। सो दिस इज हाउ दे आर वर्किंग फॉर। तो यहाँ पे फेयर ग्लोबलाइजेशन तो हुई नहीं। ठीक है, क्या नहीं क्लियर इकरी जी, बताइए मुझे। बहुत रेयरली होता है ऐसा टॉपिक कभी पूछा जाए, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं ऐसे पूछेंगे तो, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे वो। क्लियर क्लियर, हार्डली होता है कोई क्वेश्चन घुमा फिर आके आए। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या क्या है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेबर लॉज बनाए गए सबके लिए, 8 आवर्स वर्क होना चाहिए। ठीक है, और उसमें आपको एक हाफ एन आवर या 1 आवर की ब्रेक मिलेगी। ठीक है, 8 आवर्स का वर्क है, अगर जैसे 4 घंटे पहले किया 4 घंटे के बाद बीच में ब्रेक मिलेगी, फिर उसके बाद होगा वो ब्रेक, क्या आपके कोई पैसे नहीं काट सकता। दिस इज ऑलवेज देयर, दिस इज अ केस इन एवरी कंट्री, तो सबके लिए यही है। सो जितने भी लॉज बनते हैं वो सारे इसलिए बनते हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन रहे, वर्कर्स को सपोर्ट किया जाए, उनके राइट्स एक्सप्लॉइट ना किया जाए उनको, ये सारी चीजें जो मेंटेन रहे, तो ये सारी चीजें करनी है हमने। ठीक है, सो इसीलिए हमारे पास है WTO, यही चीज चेक करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था इकरीत का, एसर्शन एंड रीजनिंग। हाँ जी, एसर्शन रीजनिंग किसको किसको नहीं आती मुझे ये बता दो, एसर्शन एंड रीजनिंग किस किसको नहीं आती। किसी को आती है प्रॉब्लम यहाँ पे, ओके एनीवन एल्स। देखो एसर्शन एंड रीजनिंग में चीज बताती हूँ कैसे आपको दिमाग लगाना है, कैसे आपको सोचना है। द फर्स्ट थिंग इज आपके पास ऑप्शंस होती है, मैं आपको बता ही देती हूँ एक चीज, रुको जरा आई हैव अ क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर साथ में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर मैं आपका थोड़ा टाइम और ले लूँ एक्स्ट्रा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आज तो बस मेरे साथ ही क्लास है, आपका एग्जाम भी तो वही है, बाकी की तो क्लासेस हो गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ले रही हूँ आपका टाइम। फिर अभी भी किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, आई कैन एक्सटेंड द क्लास, नो प्रॉब्लम। मैं समझा रही हूँ आपको, देखो एसर्शन रीजनिंग में कैसे होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था मेरे पास,
assertion thi, agriculture is an activity of the organized sector in India. Aapke paas option kya hongi? हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉपरेशन माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए कर रही हूँ मैं, ठीक है? सो एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया. सो रीजन अब इसका नाम दिया है, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर आर एम्प्लॉयड ओनली ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड सोइंग सीजन. देखो फर्स्ट पॉइंट तो हमें एकदम क्लियर पता चल रहा है क्या स्टेटमेंट कह रहा हूँ, कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है एग्रीकल्चर इज कमिंग इन दैट, ठीक है, ये बता रहे हैं. दूसरे में उसने क्या बोल दिया कि वर्कर्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, जिस जिसको आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता हमने उनको भी अपने साथ लेके चलना है, तो हमें उनको भी करवाना है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या आता, इन्होंने कहा मोस्ट ऑफ वर्कर्स वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर आर एम्प्लॉयड ओनली ऑन, ये तो हो गया हमारा सीजनल एम्प्लॉयमेंट वाला बेसिस, ठीक है. तो अब आपके पास ऑप्शन आएगी, पहली ऑप्शन आती है हमेशा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अब अगर देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कहीं पे भी कॉपरेट नहीं कर रही, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारी कभी भी करेक्ट नहीं है यहाँ पे. दूसरी ऑप्शन आएगी, इसमें क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स में एग्रीकल्चर अगर मैं देखूँ तो अनऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर इज नॉट ऑर्गेनाइज एक्टिविटी. एग्रीकल्चर आप नेचुरल फैक्टर्स को तो ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकते, ठीक है, हमें नहीं पता कब बारिश होगी, कब मौसम खराब हो जाएगा, कब पेस्ट आ जाएंगे, ठीक है, सो वी डोंट नो. सो अगेन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग. अब ये भी नहीं है, ये कहता है ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ऐसा है आपको लगता है ए करेक्ट है और आर जो है वो रॉन्ग है? नो. अब फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास एसर्शन वाली दी थी, ए इज रॉन्ग, ए रॉन्ग है, मैंने पहले बोल दिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है, सो बोथ आर फॉल्स. तो हमारा आएगा लास्ट जो ऑप्शन आएगी, लास्ट ऑप्शन में होता है ए इज करेक्ट बट आर इज करेक्ट, सॉरी ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट. आर कैसे करेक्ट है, क्योंकि सीजनल एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर इज अ सीजनल एक्टिविटी, तो सही है वो सही है, वो स्टेटमेंट एकदम सही है. सो हमारी जो फोर्थ ऑप्शन आई, ए इज रॉन्ग, बी जो आपका है आर इज करेक्ट, दैट इज योर आंसर. क्लियर हो गया? एक और करवा दूं ऐसे ही, फिर आप लोग आंसर करोगे कौन सी ऑप्शन है. हाँ जी, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट. एक और ऐसा क्वेश्चन मैं बोल रही हूं आपको, उसका मुझे आंसर दो जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रुप्ड, एसर्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज आर हाईली डिपेंडेंट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एज सच देखो करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है. नाउ रीजन बताया इन्होंने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज कैन नॉट प्रोड्यूस अ गुड अनलेस दे आर एडेड बाय टर्शियरी सेक्टर. सो अब आपका आंसर क्या आना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ए एंड आर दोनों रिलेटेड है, देखो. सो आपकी ऑप्शन कौन सी आंसर होगी, ए बी सी डी. ए ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सेकेंड वाली आ जाएगी बोथ ए एंड आर, हाँ जी बोथ आर ट्रू, एंड फर्स्ट वाला जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड जो आपकी एक्सप्लेनेशन है जो आर है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है. अब आ गया समझ कि एक और करवा दूं, अब हम दूसरे चैप्टर में से करते हैं कहीं और से. चलो नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ चैप्टर नंबर वन में से, अब एसर्शन रीजनिंग. ओके मैं करवा रही हूँ अभी. हाँ जी ए इज द राइट आंसर, ये ठीक है, एकदम सही है, ठीक है. अब देखो मेरे पास है एसर्शन, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर, हमने किया था ये चीज, ठीक है. सो दैट इज द थिंग, ये स्टेटमेंट गलत है कि राइट है, बताओ मुझे जरा, द स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर, इट इज करेक्ट और इट इज इनकरेक्ट,
इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये सिमरन जी आप पहला भेज रहे हो, मैं करवा रही हूँ वही करवा रही हूँ बेटा जी। इट इज करेक्ट, यस। नेक्स्ट इन्होंने रीजन दिया, आप डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, इज दैट ट्रू? हाँ जी, नेक्स्ट वाली ऑप्शन करेक्ट है कि रॉन्ग है? नेक्स्ट वाली ऑप्शन करेक्ट है कि रॉन्ग है, बताइए मुझे। इट इज करेक्ट अगेन, हर कंट्री की पॉपुलेशन डिफरेंट होती है। इट इज राइट, ठीक है। सो इट इज अगेन करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होगी। फर्स्ट एंड सेकेंड में दोनों में रिलेशन है, तो हमारी ऑप्शन ए इज अगेन द राइट आंसर। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? हाँ जी, इकरीत यादविंदर, समझ आ गया कैसे करना है? आई सेड डिफरेंट, हाँ जी आ गया समझ सबको? अगर समझ आ गया सबको तो सेंड मी थम्स अप। आई होप जिनको नहीं आता था उनका भी सबका क्लियर हो गया। अब ठीक है जी, हाँ जी। सो नाउ लेट मी टेक द अदर डाउट्स। अब पेज नंबर इसका था 34। चलो जी, पेज नंबर 34 में क्या चीज है जरा देखूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, दे हैव द डिफरेंट पॉपुलेशन। हमारी इंडिया की अलग है, अमेरिका की डिफरेंट है, ऑब्वियसली होगी, उस पर किसी का कंट्रोल थोड़ी है। सबकी पॉपुलेशन डिफरेंट होती है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है पॉपुलेशन में, ठीक है जी। अब क्वेश्चन है इसका मैडम जी का 34 पेज पे, पेज नंबर 34। 34 पे क्या है? थर्टी फोर पे क्या समझने की, मुझे एग्जैक्ट बताओ। व्हाट डू यू वांट टू अंडरस्टैंड? हाँ जी एग्री, मुझे बताओ क्या चीज आपने समझनी है यहाँ पे। व्हाट इज यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ आए। यहाँ पे इन्होंने पहले लिखा है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे सपोर्ट करती है, पब्लिक सेक्टर की बात करी हुई है सिंपली इन्होंने। सो पब्लिक सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट हर जगह तो सपोर्ट करती है, रेलवे बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी करती है, ठीक है। एंड सारा कुछ यहाँ पे ये लिखा हुआ उन्होंने मेंशन किया पहले, ठीक है। उसके बाद लिखा है देर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, कुछ एक्टिविटीज है जहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग अपने आप उनको नहीं वो कर सकते, ठीक है। सो वो चीज जो है यहाँ पे इसके लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है जी। द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस इट, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन मे पुश अप द कॉस्ट। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दूं, मैं तो प्रॉफिट देखूंगी अपने। चलाओ तुम लोग बल्लभ एक, मैं तो 3 दिन चला के बैठी हूँ। मैं सबको ज्यादा टैक्सेस लगाऊंगी, सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करूंगी, ये करूंगी। दिस इज ऑल आर ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट ने उस चीज को अपने कंट्रोल में रखा है तो नो बडी कैन एक्सप्लॉयट अदर पीपल, नो बडी कैन थिंक ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सारे लोगों का बेनिफिट देखूंगी, सबका पब्लिक वेलफेयर देखूंगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर। जो आपकी आती है फेयर प्राइस शॉप्स, जो आपकी राशन शॉप्स होती है, राशन डिपो, ठीक है, जो होते हैं वहां पे आप लोगों को क्यों राशन सस्ता मिलता है? व्हाट इज अ लाइक बेनिफिट टू गवर्नमेंट फॉर दैट? सब लोगों को खाना मिले पेट भर के, कोई भी बंदा फूड इनसिक्योर ना हो। सो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ही सोचती है, यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं हम लोग। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। क्लियर इज? हाँ जी इकरीत जी, क्लियर हुआ। इसके बाद उन्होंने वो लिखा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, कितना है, फैसिलिटीज को कंपेयर किया है। गवर्नमेंट करती है ये सारी चीजें कि माल माल न्यूट्री माल नरिश ना रह जाए। माल नरिश क्या होता है, जिनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती है। हाँ जी, इज दैट क्लियर? मिस इकरीत जी बताइए।
इज दैट क्लियर टू यू? बता दो बेटा जी, जल्दी जल्दी क्विकली। अच्छा ओके, लास्ट पैराग्राफ समिंग अप वाला कि उससे पहले वाला? वो लिखा है इंडिया में आधे से ज्यादा जो लोग हैं, अगर हम बात करें क्वार्टर में, अ क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ दैट, ठीक है, जितनी पॉपुलेशन है उसमें से हाफ जो लोग हैं उनको खाना ही नहीं मिलता, माल नरिश्ड है, ठीक है, और 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज क्रिटिकली इल, जिनको कोई इलाज ही नहीं हो रहा। सकल एंड विलास वाला केस किया था तो विलास का वही सेम चीज थी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने किया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या था, कुछ एरियाज है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो 1 ईयर की एज वाले हैं वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो उसका मेंशन किया है मध्य प्रदेश वगैरह काफी हाई है बिकॉज वो पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आ जाते हैं, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा रेट है, ठीक है। उसके बाद लिखा है गवर्नमेंट ने काफी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आस्पेक्ट्स के ऊपर वर्क किया है, कैसे किया है कि उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर दे के, ठीक है, उसके बाद है कि आपकी प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज दे के, ठीक है, एंड फूड एंड जो मैंने आपको राशन शॉप्स का बताया वहां पर दे के, ठीक है, कम प्राइस पे फेयर प्राइस पे उनको चीजें बेच के, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमने करी थी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट की ये बनती है ड्यूटी बनती है कि वो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उनको या रीजन्स को वो इग्नोर ना करे और उनके वेलफेयर के लिए भी सोचे, इसीलिए गवर्नमेंट ये सारे बेनिफिट्स देती है, पब्लिक सेक्टर इसी के लिए वर्क करता है। सो दैट इज ऑल, हो गया क्लियर? अभी लास्ट पैराग्राफ भी मिस सिकरी तो हो गया क्लियर। चलो अभी लास्ट डाउट है मेरे पास सिमरनदीप कौर टेने मनिंदर सिस्टर, ओके चलो हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट अप डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। मैडम जी फॉर्मल सोर्सेज का एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का मैंने आपको डिफरेंस भेजा था, ठीक है। अगर मैं वही डिफरेंस की बात स्टार्ट करूँ तो मैं सिंपल आपको 5-6 पॉइंट्स बता देती हूँ जो हम लोग जर्नली सारे जानते हैं। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कौन से होते हैं? जब हम लोन लेते हैं सिर्फ बैंक या कोऑपरेटिव से, अब बैंक्स में भी जब पब्लिक बैंक हो जाए या प्राइवेट बैंक हो जाए कोई भी हो जाए तो वी कॉल दैट इज योर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है। जब मैं लोन लेती हूँ इन दोनों से नहीं लेती हूँ लोन, मैं लेती हूँ अपने किसी फ्रेंड से लोन ले लिया, मैंने किसी लार्ज फार्मर से लोन ले लिया, मैंने अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया, ठीक है, मैंने अपने वो मनी लेंडर्स थे उनके पास चली गई, मर्चेंट से ले लिया मैंने लोन। तो इन दैट केस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम नॉट टेकिंग लोन इन अ फॉर्मल मैनर। अगर मैं बैंक से लोन लेती हूँ तो प्रॉपर मुझे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं है, पुराने जमाने वाला अंगूठा लगाया, चलो जी पेपर रख दो, ये कर दो, लोन ले लो, तो काइंड ऑफ दैट हमने लोन ले लिया जब ब्याज पे मैंने पैसे ले लिए। सो दैट इज इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इतना क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी सिमरन जी फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, हु इज गोइंग टू चार्ज मोर इंटरेस्ट? हाँ जी लास्ट वाला जो मैंने बोला है फ्रेंड्स रिलेटिव्स, ठीक है, आप एम्प्लॉयर से लेते हो, दैट वी कॉल इट एज इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, हु इज गोइंग टू चार्ज मोर इंटरेस्ट? गवर्नमेंट भूखी होगी? नहीं होगी। ज्यादा भूखा कौन आएगा? जैसे हम लोन लेंगे, कई बार रिलेटिव्स भी अच्छे होते हैं, कई बार फ्रेंड्स भी अच्छे होते हैं, सो दे विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, बट अगर आपने नहीं उसको वापस किया देन दे आर गोइंग टू ऑब्वियसली हर्ट यू, इवन एक्सप्लॉयट भी कर देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कौन ज्यादा चार्ज करता है? दैट इज द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है, और फ्लक्चुएट भी होता है इनका जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। बट जो आपके फॉर्मल वाले आते हैं वो आपको कोई भी एक्सप्लॉयट नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, वो एक प्रॉपर जो है यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट ही चार्ज करते हैं आप लोगों से, ठीक है जी। हाँ जी अब नेक्स्ट थिंग आती है एक्सप्लॉयटेशन, किसमें होगी? इनफॉर्मल में होगी। वो देखा है आपने मूवीज में भी, हीरो ने पैसे नहीं दिए, जो उसके फादर से पैसे नहीं दिए गए वापस, वो आते हैं घर तोड़ के चले जाते हैं, उसका सामान बाहर फेंक के चले जाते हैं, सो दैट इज इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, उसमें हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होती है। एंड किसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी? एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा फॉर्मल में, आपको कोर्ट के थ्रू बुलाया जाएगा, आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, रिस्पेक्टफुली आप लोग जो भी सेटलमेंट होगी वो हो जाएंगी,
ठीक है, सो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में ऐसा होता है, हाँ जी, और एनीबडी कैन टेल मी, कोई और पॉइंट बता देते आप लोग? मेरे पास बुक में से मैं सारा ही आपको बता देती हूँ, अभी मैंने कोई पॉइंट स्किप किया तो फिर पूरा ही आपका एक्सप्लेन कर दूंगी जो आपका था हमने किया, मैंने आपको जो भेजा था क्लिक करके। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट वन विद यू। हाँ जी, सो कंपैरेटिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कौन करता है? चार्ज इज लोअर, ये हमने कर लिया फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है, उसमें ही ज्यादा होता है इंटरेस्ट, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स में हमारे पास ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कोलेट्रल किस में रिक्वायर्ड होती है? फॉर्मल में कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड, एंड दूसरे वाले में हमें गिरवी कुछ नहीं रखना होता। हाँ जी, मिल गया, मिल गया डिफरेंस, मुझे मिल गया, एक रीत है मेरे पास, ठीक है। सो इसके बाद था कोलेट्रल के बिना लोन देने के लिए कौन रेडी होता, दैट इज इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है। आरबीआई जो है किसको सुपरवाइज करेगा? फॉर्मल सेक्टर लोन्स जो क्रेडिट के सोर्सेज, उनको आरबीआई सुपरवाइज करता है, मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। बट इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स में कोई भी सुपरवाइज करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने बताया है, सॉरी, रिच अर्बन हाउस होल्ड जो होते हैं वो लोन कहाँ से लेते हैं? फॉर्मल से लेते हैं। पुअर वाले कहाँ से लेंगे? ऑब्वियसली उनके पास कोलेट्रल नहीं है रखने के लिए, दे आर टेकिंग लोन फ्रॉम My video is not working, I guess. Or is it working? Okay, it is working. Mera fir shayad phone ka net ho gaya khatam lag raha mujhe. Fine. Achha, next dekho. Aage hai example. मनी लैंडर वगैरह ट्रेडर्स जो होते हैं, ठीक है, आई गेस ऑल द पॉइंट्स आर देयर, क्लियर हो गया डियर? हाँ जी, हो गया डाउट क्लियर? अब और कौन सा था? इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ये ऑलरेडी सिमरन का हो चुका है। सिमरन जी, क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड? ओके, फाइन। अब आप लोगों ने अच्छा अच्छा पेपर करना है, ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू एंड द स्ट्रीम नाउ, ठीक है। सो आपके जितने डाउट्स थे आप लोगों ने ऑलरेडी पूछ लिए मेरे से, सो इट इज ऑल डन नाउ, सो आई एम गोइंग टू, हाँ जी हाँ जी, ऑल द बेस्ट, यू पीपल आर माई रॉक स्टार्स, गोइंग टू रॉक इन द एग्जाम, ठीक है। अच्छा अच्छा पेपर करना, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू, सो यू हैव टू डू ऑल वेल इन द एग्जाम। दिमाग लगा के अच्छे से आंसर देना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना, ठीक है माई डियर। बाकी आपके काफी क्वेश्चन हैं जो आपको थोड़े इस बार न्यू मिलेंगे, पैटर्न इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ क्या है, आपका कितने मार्क्स का क्या क्या आएगा, तो अभी आपको ब्लू प्रिंट का वाला समझा देती हूँ, फिर मैं उसके बाद एंड करती हूँ स्ट्रीम, अभी नहीं कर रही हूँ, जो लोग फिर रहते हैं उनको भी पता चल जाएगा। मैं बता देती हूँ, आपके पास दो लिंक है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स मिलेगी, फर्स्ट इज अ लिंक वन जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे पूरी एसएस, ठीक है। मैं बता देती हूँ, रूल्स रुक जाए, इसको पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद करवा देते हैं। हाँ जी मैडम जी, बता दूंगी, थोड़ी शांति रखो। अच्छा, अब आपके पास आएगा लिंक वन, मैं लिंक वन में से बता दूं आपको, लिंक वन में क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 20 तक जो है एमसीक्यू, दैट इज ऑफ इकोनॉमिक्स, सो वन मार्क ईच फॉर दैट, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया सबको?
अब नेक्स्ट चीज देखो, लिंक टू जो है दैट इज कंप्लीटली ऑफ इकोनॉमिक्स. लिंक टू में आपके पास क्वेश्चन नंबर होगा 21, 22. इसमें आएंगे आपके 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ठीक है. एक क्वेश्चन में चॉइस है, शायद इसमें चॉइस है, देयर इज अ चॉइस इन 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है. एंड इसके बाद आता है ये आपके लिंक में 23rd जो क्वेश्चन आएगा दैट इज ऑफ 5 मार्क्स, देयर इज नो चॉइस एट ऑल. सो ये आपका पेपर पैटर्न होगा कल के लिए, ठीक है जी. कुछ तो आपके आंसर यहाँ पे सीधे ही अपने मार्क करने एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे, वो कर दोगे. कुछ आपको सबमिट करने टाइप करके वो कर देना साचर में, ठीक है. कुछ जो है आपके पिक्चर आपको क्लिक करके भी हो सकता है करने के लिए, बट मोस्ट प्रॉब्ली एक आधा आंसर है जो आपको टाइप करना है, पिक्चर वाला कोई नहीं है ऐसा, ठीक है. बट हाँ, ये वाला जो है प्योरली इसमें आपको पिक्चर क्लिक करके अपलोड करनी होगी, ठीक है. माय डियर स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है सबको? ये आपका पेपर पैटर्न था बस. हाँ जी, चलो अब किसके रह गए थे, रूल्स के डाउट्स रह गए मैं देख रही हूँ. अगर बाकी किसी ने लीव करना है तो है तो वी कैन डिस्कस दैट. अभी भी किसी के कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी टिल इवनिंग. हाँ जी, एक तो है मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड टू लिव वेल. हाँ जी, देखो पैसे के साथ हर चीज तो नहीं खरीदी जा सकती. वी आर नॉट एबल टू बाय रिस्पेक्ट विद मनी. मैं आपको पैसे दूंगा और मेरी क्लास लगा लो, आप लोग आ जाओगे? तब कौन सा आते हो, आप लोग तब भी नहीं आते हो, ठीक है. सो ये चीजें यहाँ पे है, रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन, हेल्दी एनवायरमेंट, ठीक है. हम लोग चाहे किसी को भी कैंसर ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, दीज ऑल थिंग्स वी कैन नॉट बाय विद मनी, ठीक है. ये चीज है बस, और कुछ नहीं है. सो कुछ चीजें हमारी बिना मनी के भी अगर होंगी तब भी हम लोग अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हैं. सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मेनी टाइम्स सीबीएसई हैज आस्क्ड, ठीक है जी. विच चैप्टर एक रीत जी बता दो. अच्छा, देर आर लिमिटेशंस. हाँ जी, लिमिटेशंस है. देखो पॉपुलेशन पता नहीं होती हमें कितनी है, वहाँ पे लिमिटेशंस आती हैं पर कैपिटा इनकम में. सिर्फ हम लोग सिर्फ रिच एंड पुअर को जज कर सकते हैं और कुछ नहीं है. गैप जो रिच एंड पुअर का है वो हमें नहीं पता कितना आ रहा है, ठीक है. बाकी जो अगर किसी कंट्री में लोग हैं वो चीज़ आ जाती है. पर कैपिटा इनकम वाली जो लिमिटेशंस थी वो समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है जी. रूसल तेरा क्वेश्चन जो था मैं वो बता रही हूँ अभी. हाँ जी, तो वहां पे क्या होता है, आपके पास कोई एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता. पर कैपिटा इनकम इज टोटली रिलेटेड टू मनी ओनली, सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है माय डियर. सो ये चीज थी. इसके बाद व्हाट डज फॉर्मल, ये हो गया आपका क्वेश्चन ऑलरेडी. अभी जो हमने पूछा मनी वाला वो हो गया. पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज देखो जैसे रोड्स बनाती है गवर्नमेंट अपने लिए, हम खुद तो रोड नहीं बनाते. पब्लिक फैसिलिटीज हमेशा हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. सो वो पब्लिक फैसिलिटीज जैसे रोड्स एंड ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन है, स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. सो यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, दैट इज ऑल प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट आर द लिमिटेशंस, हो गया ये पॉइंट ऑलरेडी. नाउ एक रीड्स क्वेश्चन. क्या था सेकेंड चैप्टर 11th क्वेश्चन, लेट मी चेक इट आउट विद बुक. ये हमने शुरू में कर लिया था रूजल जी, कृष को मैंने करवाया है मैफ जेफ वाला. हाँ जी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो लोग हैं उनको ओपनली काम नहीं मिल रहा, वो कर ही नहीं रहे, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है. सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम कहते तो दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है लोगों के पास काम भी है बट दे आर नॉट डूइंग द फुली वर्क.
ठीक है. सो ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये किया तो है हमने ऑलरेडी, वैसे डिस्कस किया था. अभी और किसका क्वेश्चन है जी, बताइए जरा. और किसी का क्वेश्चन तो नहीं रह गया? अगर किसी का रह गया तो बता दो मुझे फटाफट, फिर हम लोग क्लास एंड करें. एंड माई बेस्ट विशेज आर विद यू, पेपर बहुत अच्छे से करना. कौन सा क्वेश्चन है? 21 ऑल्सो. पब्लिक सेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करता है? ऑब्वियसली वेलफेयर ऑफ द पीपल करके, ठीक है, लोगों को सबको वो क्या करता है, एक लेवल पे रखता है, ठीक है, लोगों को उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, पब्लिक फैसिलिटीज, जैसे मैंने बताया वो बता सकते हो आप, ठीक है. ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे ऐसे अच्छे ऐसे क्वेश्चंस, मतलब इसमें काफी वाइड चीजें आ जानी है. एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेगा? देखो सबको जॉब्स प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है. जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है गवर्नमेंट, आपके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, आपके लिए वोकेशनल स्टडीज करवाती है, वोकेशनल कोर्सेज करवाती है, ठीक है, सिलाई कढ़ाई वगैरह सीखते हैं ना लोग गाँव में फ्री में. सो ये सारी चीजें आपका आंसर आता है इस चीज का. पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 4. कर तो लिया, सेम है रूजल, क्या कर रही है? आर यू कंफ्यूज्ड? सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? पर कैपिटा इनकम, दैट फ्लो चार्ट मैंने इसीलिए तो बनाया था. व्हाट आर द लिमिटेशंस? पर कैपिटा इनकम वाली लिमिटेशंस आपने पूछी है, दैट इज द सेम क्वेश्चन पेज नंबर 16 वाला. हाँ जी हो गया जी, अभी तो नहीं कोई डाउट किसी का? बता रही हूँ जी, बता रही हूँ. पेज नंबर 35 की आंसर कीज बता देती हूँ. 35 पे आपका फर्स्ट जो फिलअप है उसमें आएगा हैज नॉट, दैट इज द करेक्ट आंसर. सेकंड पे आ जाएगा टर्शरी, थर्ड पे आ जाएगा ऑर्गेनाइज्ड, फोर्थ पे आ जाएगा लार्ज, टिक करते जाओ साचत में, ठीक है. सिक्स पे आ जाएगा इंटरडिपेंडेंट, इसमें से चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट में आप आ जाओ. सो फर्स्ट आज फर्स्ट जो है ए क्वेश्चन का ऑप्शन 3 इज आंसर, बी का है फर्स्ट, सी का है सेकंड, डी का है थर्ड, ठीक है जी. मैच द फॉलोइंग भी देख लो जरा, आगे वाले पेज पे है उसके भी देख ले आंसर की. इसमें आ जाएगा 4, 5, 2, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 3. फाइंड ऑड वन आउट में से आ जाएगा टूरिस्ट, गाइड फर्स्ट वाला उसको सर्कल कर दो. सेकंड में आ जाएगा वेजिटेबल वेंडर, थर्ड में आ जाएगा कॉबलर, फोर्थ में आ जाएगा जेट एयरवेज. हाँ जी हो गया जी. फर्स्ट का फिफ्थ, हाँ दैट इज यहाँ पे आएगा कॉटन इज अ, फर्स्ट वाले में आ जाएगा नेचुरल, ठीक है, सेकेंड वाले में आएगा मैन्युफैक्चर्ड, क्लोथ इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ठीक है जी. नेचुरल पे फर्स्ट ब्लैंक आ जाएगी, उसमें आ जाएगा नेचुरल, सेकेंड वाली पे आ जाएगा मैन्युफैक्चर्ड. नेक्स्ट आपका था फिफ्थ, फिफ्थ तो हो गया फर्स्ट का दोबारा, सेकेंड का फर्स्ट का दोबारा बता. थर्ड, थर्ड थर्ड ऑप्शन है उसका आंसर. मैं आपको फोटो खींच के भेज देती हूँ, ठीक है, इन आंसर्स की फोटो भेज देती हूँ. ओके जी, चलो. सो नाउ ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, गॉड ब्लेस यू ऑल. अच्छा अच्छा पेपर करके आना, ठीक है,
एंड बी रिलैक्स्ड, बी हैप्पी, रोज उठ के बोला करो हैप्पी हैप्पी ऑलवेज, सबके लिए बोला करो मम्मा इज हैप्पी, पापा इज हैप्पी, इवन आई एम हैप्पी, सबके लिए बोला करो. सो यू विल बी गेटिंग द पॉजिटिव वाइब्स विद दैट. ठीक है जी, चलो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई स्ट्रीम. गॉड ब्लेस यू ऑल. अगर किसी के कोई डाउट्स होंगे मुझे मैसेज कर देना, आई विल गिव यू कॉल बैक. फाइन, कोई इम्पेशेंस मत क्रिएट कर देना. ओके, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एट होम एंड कीप ऑन लर्निंग विद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूआ. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स.